नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद कई बड़े सियासी उलटफेर होने के संकेत मिले थे, लेकिन खरमास बीत गया। बिहार में ना तो महागठबंधन की सरकार बनी, ना ही एनडीए में बड़ी टूट हुई, क्योंकि दावा महागठबंधन की ओर से किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक ने बड़ा ऐलान किया था, कहा था कि कई जेडीयू के विधायक संपर्क में है, वो आरजेडी का दामन थामेंगे। लेकिन इस बीच जब बातें आज की करें तो कई बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो कि आरजेडी और कांग्रेस से आए हैं, बड़े नेता हैं। पूर्व सांसद सीताराम यादव भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन इस बीच सीताराम यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव पर। जरा सबसे पहले आप सुनिए। जो आज आपने राजद का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं लगातार 30 वर्षों तक आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में और जनता दल का जब विभाजन हुआ तब भी लालू आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में काम किया। लालू यादव ने स्नेह दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया और जब जरूरत होती हम लोग पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद रहते हैं। आज लालू यादव इस क्षेत्र से हट चुके हैं। आदरणीय हमारे जो अभी तत्काल तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो न कार्यकर्ताओं को, हमें क्या किसी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं और जहाँ तक एसी में रह कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोग आदमी हैं, जमीन का आदमी हैं, जमीन में काम करना चाहते हैं। वह जमीन में काम करने वालों निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि काम करना है, बैठ के रहना नहीं है, इसलिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में देश के हित में, राष्ट्र हित में, बिहार हित में उपयुक्त है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजद कह रही है कि रिटायर्ड लोगों को बीजेपी ले रही है। रिटायर कैसे हो गए? अभी तो बड़े बड़े शिवानंद तिवारी बैठे हुए हैं, रिटायर हमसे अधिक उम्र के हैं। जगतानंद भी हमारे से अधिक उम्र के हैं, तो रिटायर क्या? और जहाँ तक काम करने का सवाल है, किसी नौजवान से 100 गुना मजबूत आज के तारीख में भी मैं हूँ, रिटायर होने का कहाँ सवाल। तो सीताराम यादव को आप सुन रहे थे, आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं को सम्मान देते थे, नेताओं को, पार्टी के सम्मान देते थे, लेकिन तेजस्वी यादव तो किसी को सम्मान देते ही नहीं है, एससी में बैठकर कैसे होगा। बड़ा बयान सीताराम यादव का, जो कि अब आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।